Welcome to Gazeball. Make sure to subscribe. Hey guys and welcome back to our YouTube channel. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ट राइवलरीज इन एनिमे। तो इससे पहले हम एनिमे से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम एनिमे की बेस्ट राइवलरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। राइवलरीज मतलब कॉम्पिटिशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स। तो यहाँ उन्हीं कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनके बीच बहुत ही कमाल की राइवलरीज थी। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है एनिमे की बिगेस्ट, मोस्ट वेल नोन और मोस्ट एक्सप्लोसिव एनिमे राइवलरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारुतो एंड सासुके की। दोनों की कैरेक्टर स्टोरी बहुत ही कमाल की है। अगर दोनों के कैरेक्टर्स की बात करें तो एक तरफ है नारुतो जो कि ड्रीमी और आइडियलिस्टिक है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है सासुके जो कि क्वाइट और एनालिटिकल है। दोनों के बीच की राइवलरी शो के अर्ली टाइम से ही शुरू हो जाती है। शुरू में ये सिर्फ वन साइडेड थी लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे के एक अच्छे राइवल्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट राइवलरी हमारे पास है एल एंड लाइट फ्रॉम डेथ नोट। अगर बात करें तो पूरी सीरीज का कोर अट्रैक्शन इनकी राइवलरी ही थी। राइवलरी सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है कि कौन कितना पावरफुल है। जैसा कि हम इस शो में देख सकते हैं, दोनों की राइवलरी एक इंटेलेक्चुअल लेवल तक थी। जैसा कि हमने सीरीज में देखा, एल को पहले से पता था कि लाइट ही कीरा है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था उसको एक्सपोज करने का। वहीं दूसरी तरफ लाइट को एल का रियल नेम नहीं पता था और ना ही वो उसको गेम से बाहर कर पा रहा था। तो यही थी इन दोनों के बीच की इंटेलेक्चुअल राइवलरी। तो नेक्स्ट राइवलरी हमारे पास है एनिमे की क्लासिक राइवलरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोकू एंड वेजिटा की। तो ये राइवलरी बहुत ही आइकॉनिक है एनिमे में। दोनों कैरेक्टर्स के बीच फर्स्ट क्लैश होता है ड्रैगन बॉल जी में, जहाँ हमें देखने को मिलती है वेजिटा की डिफीट, और इसी के चलते वेजिटा और गोकू की राइवलरी शुरू होती है। अपनी पहली डिफीट के बाद वेजिटा सोचता है कि वो एक लो क्लास सैयन से हार गया है और फिर वो हार्ड प्रैक्टिस करता है गोकू को सरपास करने के लिए, और यही जन्म होता है एनिमे की एक आइकॉनिक राइवलरी का। और इसी राइवलरी के साथ वो दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी फेवरेट राइवलरी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।